आज मैं बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई तनुजा चंद्रा निर्देशित, कामना चंद्रा और गजल धालीवाल लिखित, इरफान खान और मलयालम एक्ट्रेस पार्वती स्टारर करीब करीब सिंगल फिल्म का रिव्यू आपके लिए करूंगा, ताकि आप जान सकें इस फिल्म को देखना है या स्किप करना है, ताकि आपके पैसे और समय दोनों का सही इस्तेमाल हो सके। करीब करीब सिंगल एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, इसमें मैच्योर लव स्टोरी दिखाई गई है। मेरा मतलब है दो मैच्योर कपल की लव स्टोरी, जिन्होंने अपनी लाइफ में ऑलरेडी किसी न किसी को जगह दी होती है। इरफान यानी योगी तीन तीन बार प्यार की गिरफ्त में जा चुके होते हैं, लेकिन अभी तक वो सिंगल हैं, और पार्वती यानी जया एक विडो हैं। दोनों एक डेटिंग साइट से संपर्क में आते हैं और अपनी कहानी शेयर करते हैं कि क्यों वो लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं। जैसा मैंने पहले बताया कि योगी तीन तीन बार प्यार की गिरफ्त में आने के बाद भी सिंगल हैं, और वो जया को बताते हैं कि अभी भी तीनों उनकी याद में आंसू बहा रही होंगी, और जया को उन तीनों से मिलवाने का प्रस्ताव देते हैं कि हमारी डेटिंग भी हो जाएगी और उनकी गर्लफ्रेंड से मिलना भी। इसी सिलसिले में देहरादून, ऋषिकेश, जयपुर, गैंगटॉक वो साथ साथ विजिट करते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं। लेकिन जया को योगी बहुत ही अनोइंग लगता है। वो फोन पे बात करते करते खर्राटे मारने लगता है, बहुत बकबक करता है। उसको स्ट्रीट फूड का शौक होता है, लाल पीले कपड़े पहनता है, लेकिन जया इसके बिल्कुल उलट एक स्टाइलिश सलीका पसंद महिला है। फिल्म में ट्रैवल के दौरान एक बार योगी की फ्लाइट छूट जाती है तो एक बार पैलेस ऑन व्हील छूट जाती है, और जया डेस्टिनेशन पर अकेले पहुंचती हैं। तो क्या योगी जया का संपर्क टूट जाता है, या फिर वो कैसे पहुंचते हैं? क्या जया और योगी फाइनली अपनी सर्चेस को विराम देते हैं और एक दूसरे के हो जाते हैं? ये सब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं फिल्म की कहानी नहीं सुनाता, रिव्यू करता हूँ, पोस्टमार्टम करता हूँ। आइए देखते हैं फिल्म को मेरी नज़र से। फिल्म की कहानी और डायलॉग फिल्म की जान है। फिल्म का स्क्रीन प्ले बहुत ही दमदार है, बहुत ही सशक्त और बहुत उम्दा। फिल्म में इरफान के डायलॉग्स की टाइमिंग सटीक है। तनुजा चंद्रा का निर्देशन बहुत ही उम्दा है, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा है। अभिनय की बात करें तो इरफान के अभिनय का सभी लोहा मानते हैं। वो किसी भी रोल में जान डाल देते हैं, अपने कैरेक्टर को जीवित कर देते हैं, और यही इन्होंने इस फिल्म के किरदार के साथ किया है। अभिनय वही है जो आपके असली नाम को भूलकर आपके किरदार के नाम से लोगों को याद रह जाए। पार्वती का अभिनय भी बेहद शानदार है, सशक्त है। उनकी ये पहली हिंदी फिल्म है, लेकिन आप भी उन्हें जया के नाम से याद रखेंगे। सिनेमेटोग्राफी फिल्म की बहुत शानदार है, शॉट्स की टाइमिंग बहुत एप्रोप्रिएट है, फिल्म के गाने बैकग्राउंड में फिल्म को गति देते हैं। ओवरऑल ये फिल्म आपको देखनी चाहिए, यू विल लव वॉचिंग करीब करीब सिंगल। ये एक पैसा वसूल फिल्म है, एंड माय रेटिंग टू दिस फिल्म इज 3.5 आउट ऑफ 5। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको समय रहते मेरे फिल्म्स के रिव्यूज मिलते रहे, ताकि आप अपना पैसा और समय दोनों बचा सके। नमस्ते।